Oh. Just like Elgard in cricket. Langha. कभी भी प्राण नहीं मारा. जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा ये आवाज भी बढ़ती जाएगी और सनसेट जो वो होने वाला है. Yes. Yes. Okay. I'm not afraid of wild animals. I am afraid of underground. Heaven में तो नहीं पहुंच गया मैं. भाई आज काम में आने वाला अपना ये हथियार. सबका ऐसा ये काला आपका दिखाओगे दांत ये बाजा बाजा कभी भी नहीं मारा. तो अभी अपने हेड हंटर्स लोग को टाटा बाय बाय बोल के निकल चुके हैं एंड अभी जा रहा हूँ मैं तोबू. और स्पेशल बात ये है आज मेरे जाने का कि नो व्हीकल, क्योंकि आज संडे है तो बस भी नहीं है, सुमो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. अगर कुछ ऐसे लोकल चलता हुआ मिलेगा तो फिर चेकिंग करेंगे, लिफ्ट लेंगे और जाएंगे. एंड दिस इज़ माई रियल हॉर्स जो कि मेरे को लेके आए थे अपने घर पे. थैंक यू सो मच. ओके फिर मिलेंगे कभी. नेक्स्ट जो आपका आएगा ना कौन सा फेस्टिवल आउलिंग उस पर आएगा मैं. ठीक है बाय बाय. थैंक यू सो मच. जो सामने दिख रहा है आपको वो है अबोई का बैपिस्ट चर्च एंड दिस इज द लोकल मार्केट ऑफ अबोई. बट टुडे संडे सो एवरीथिंग इज क्लोज्ड. यार कोनियाक्स की गांव देखो पूरे नागालैंड से डिफरेंट मिलेंगे. यहाँ पे ऐसे नहीं कि एक दो घर ऐसा मिलेगा वो कच्चा बनाया हुआ ना घास फूस से. टोटल घर आपको ऐसे मिलेगा टोटली ऑर्गेनिक. जस्ट लुक देयर सेम सेम सेम. तो ये भी अपना रोड मैप मोगोकचुंग 232 त्वेंचांग 132 एंड तोबू 87. कल गाड़ी नहीं मिला तो कल शाम तक पहुंच जाऊंगा मैं तोबू चलता चलता. तो भाई रास्ता जो है वो पूरा जंगल वाला आ चुका है एंड जो तोबू है वो यहाँ से 90 किलोमीटर. लेकिन अभी 5 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा थोड़ा थकान फील हो रहा है. लेकिन अभी मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो है दिस थिंग महू. महू अराउंड 16 किलोमीटर है तो 16 किलोमीटर्स कवर करने में आई थिंक 2 घंटे में आराम से कवर हो जाएंगे. अगर 2 घंटे में महू पहुंचना है तो 1 किलोमीटर इन 8 मिनट्स कवर करना पड़ेगा मेरे को. ओ भाई भाई भाई, भाई कोई गाड़ी का आवाज़ सुन रहा है मेरे को. कान ना साले ऐसे हो गए 5 किलोमीटर दूर से आवाज़ सुन जाता है. देखते हैं अगर रोकेगा तो अच्छा होगा, अगर नहीं रोकेगा तो पैर तो हैं ही अपने साथ अपने. कितने किलोमीटर जा रहे हो आप लोग? हम तो आगे ही जाएंगे लेकिन हमारे में जगह नहीं. ये लोग बीआरओ से पास में इनका कैंप है तो वहीं पे जा रहे थे. भाई मिल गया लिफ्ट मिल गया इसके अंदर. लेकिन 8 किलोमीटर चलने के बाद में इसको डालेगा कहीं पे. ओके होगा. ये ब्रो हाय हाय लेट्स गो. भाई लोग ज़्यादा तो नहीं 10 किलोमीटर तक जाएंगे लेकिन काफ़ी आराम मिलेगा भाई 10 किलोमीटर में भी. कहाँ से आ रहा है? हम राजस्थान. राजस्थान I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rock. So after a long drive, it's time to have some rest. Hamara tire bhi thanda ho jayega. इंजन भी थोड़ा ठंडा था यार. ये वाला चीज़ है ना ये बड़ा मस्त लगता है मेरे को. उसको रास्ते के अंदर ऐसे नेचुरल पाइप मिल जाएंगे बैम्बू से बने हुए, जहाँ पे कि मोस्टली ट्रक वाले गाड़ी वाले आराम करते हैं, पानी पीते हैं. भाई इंजन का हाल कुछ ऐसा हो जाता है नागालैंड में जब गाड़ी चलता है तो जस्ट लाइक ए हीटर. तो भाई लोग ने ड्रॉप कर दिया मेरे को कुछ इस गांव में. है तो नाम गांव क्या, नाम क्या से? लोंगचिंग. तो वो कितने किलोमीटर आशे न जानियो. ओके शिफ्ट जर्नी. शिफ्ट जर्नी यार. आर्किटेक्चर देखो आप गांव बनाने का सेम जो 1950s में होता था वैसा कुछ. वो उस तरफ गांव का मोरूंग हो गया, एक शॉप ये हो गया गांव का, एक वो वाला शॉप हो गया. और इस तरफ रेस्ट हाउस बस वगैरह के लिए अगर कोई इंतजार करना चाहे तो.
और ये मेरे हिसाब से कुछ ब्रिटिशर्स के टाइम का लग रहा है भाई। बाकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, बट लौंडे लपाटे गांव में भी यहाँ भी ऐसे ही होते हैं। तो भाई लोग को टाटा बाय बाय बोल के निकल चुका हूँ मैं भी अपने आगे की जर्नी के लिए, एंड तोबो इज समथिंग अराउंड 62 किलोमीटर फ्रॉम हियर। और व्यू कुछ ऐसा आ गया मेरे सामने, हेवन में तो नहीं पहुँच गया मैं भाई। गांव के बाहर लगे ऐसे ऐसे साइन बोर्ड देख के आपको लगेगा कि नहीं कि इंडिया के गाँव है, टोटली लाइक यूरोपियन विलेजेस। साइन बोर्ड देखिए, वे टू बैपटिस्ट चर्च, मिशनरी स्कूल, पास्टर्स रेजिडेंस, ट्रस्ट मी इट्स इंडिया बिकॉज इन नागालैंड 100% लोग क्रिश्चियंस हैं। सो इट्स बीन 45 minutes आई एम वॉकिंग कंटिन्यूसली, एंड यहाँ से जो अपना आज का टारगेट है मेरा, अगर कोई गाड़ी नहीं मिला तो उखा इज 24 kilometers, और जब तक टाइम मेरे हिसाब से 8, 16, 24, 3 to 4 hours लग जाएगा। 24 kilometers से उखा तो पहुँच जाऊँगा मैं 4 घंटे में, लेकिन उससे पहले अपने को ब्रेक लेना है और उसमें थोड़ा बॉडी को चार्ज करेंगे। देखते हैं कोई अच्छी सी जगह अगर रोड साइड वो हट जैसा मिलता है तो मज़ा आएगा उसमें। तो भाई आधे घंटे और चलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं कुछ ऐसे गांव में। तो बुज 49 मोन 68, सो आधे से ज़्यादा रास्ता अपना कवर हो चुका है 1.5% एंड ओनली 1% बचा है, सो लेट्स मूव। सो ये वाला जो जगह दिख रहा है ये अभी गांव वालों का लकड़ी स्टोर करने का जगह है। ओह, वुड स्टोरेज, एंड दिस इज फॉर पिग आई थिंक। लुक देयर स्लीपिंग बिग बुल। ओए उखा यही रास्ता जाबो। ओके अपनी कूद परा, अपनी कूद परा राजस्थान मानु आशे। हाँ टूरिस्ट आसे, यूट्यूबर यूट्यूबर फोन यूट्यूब, टेल योर फादर व्हाट आई एम सेइंग ना। ओके ओके उखा ना। हाँ 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 गाड़ी नहीं, संडे बस भी नहीं, सुमो भी नहीं, लाठी होगा ना, लाठी नहीं होबो, एंटर होबो नहीं। ये तो व्हाट ही सेइंग, यू नो हिंदी और इंग्लिश? नो, ये जाएगा ना। हां ये जाएगा। ओके थैंक यू सर। ये तो ना, हां पेस्ट, ये तो प्रेंच मानो पीछे रखबो, ये तो नाला रे ना। हां प्रेंच मानो, हां पेस्ट, ये तो भी ऐसे तो पेस्ट प्रेंच मानो। ओके ओके ये तो होती सभी ना। हां 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 जाबो, नहीं एक बार तो उखा जाबो ना, ये तो उदी हुरी कने जाबी, ये तो शॉर्टकट चले तो इतिया बुंची पर है, अपनी शॉर्टकट ना जाने बोलो, शॉर्टकट मैप में देख लेगा ना। तो अभी इन भाई साहब से क्या हुआ कि मैं रास्ता पूछा था, तो ये बोले कि यहाँ पे आगे और पीछे की तरफ राजस्थान के आदमी रहते हैं, वहाँ पे जाके मिल लो उनसे, राजस्थान या फिर प्लेन्स के ना, प्लेन मानवा से, प्लेन का मतलब जो नॉर्थ ईस्ट को उठाकर बाकी इंडिया है वो इनके लिए प्लेन है। बट यार क्या करूँगा प्लेन मानों से मिल के, सारी ज़िंदगी प्लेन मानों से मिला हूँ ना, अभी तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन जो भी हो एक चीज़ अच्छा बता दी उन्होंने, जंगल के रास्ते से एक शॉर्टकट जाएगा, जैसे धमाल मूवी में जाता ना मुंबई टू गोवा, लेकिन भटक भी सकता हूँ लेकिन जाएंगे जंगल के रास्ते से, कोई बात नहीं, GPS है मेरे पास, ये ट्राई कर लूँगा। क्योंकि ये वाला जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, जो कट दिख रहा है, वी शेप दिख रहा है ना, ये मेरे को वी नहीं लेना, डायरेक्ट लेना है जंगल के रास्ते से। आई विल ट्राई दिस। सो थका नहीं हो भाई, इतना और एक्टिंग था ये, थोड़ा थोड़ा थक गया वैसे, पसीने से पूरा भीग गया, लेकिन अभी भी अपना जो रास्ता है वो अराउंड 13 to 14 kilometers बच गया, ज़्यादा नहीं चला गया, पूरे पसीने निकल चुके हैं मेरे, नहीं चला जाएगा, और ज़बरदस्ती करनी अच्छा नहीं, वरना पैर के अंदर छाले भी आ जाएंगे ना। सो रास्ते में अपने को दिखा कुछ ऐसा शेल्टर, भाई मोरूम को दिखाते हुए मेरे को पिछले हफ्ते 1 महीना हो गया, लेकिन आज फाइनली मेरे को मोरूम में रहने का मौका मिलेगा। लेकिन अंधेरा होने से पहले अपना काम ही है कि मैं लकड़ी इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई जानवर आए रात को, वैसे तो छोड़े नहीं नागा लोगों ने, लेकिन फिर भी क्या पता कोई एक दो बच गया हो गलती से। सो इसीलिए अगर आग जला लेंगे तो अपना सेफ्टी होगा ना। भाई आज काम में आने वाला अपना ये हथियार, इतने दिन हो गए डाले डाले, इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, मैं सीरियसली चाहता था इसको यूज़ करना लेकिन मौका नहीं मिल रहा था यार, क्या करेगा। लेकिन आज जंगल अलोन। यार लकड़ियाँ तो काट ली लेकिन इतनी लकड़ियों से कुछ होगा नहीं है, मुश्किल से 1-2 घंटे जलेंगे, तो अपने को थोड़ा और कलेक्शन करके लेके आना पड़ेगा। और ट्रैकिंग और जंगल के बारे में एक और बात बता देता हूँ मैं, अगर ऐसा स्लोप हो ना आपको चलना हो तो ऐसे पैर कभी मत रखना, ये फिसल जाएगा, हमेशा ऐसे तिरछे पैर रखो, जस्ट लाइक क्रॉस। ये रही लकड़ियाँ तो बहुत मिल गई यार, ये वाला लकड़ी ले तो आया हमें इतना बड़ा के चक्कर में लालच आ गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा वेट लग रहा है, ये गिल्ला ना हो कहीं पे।
नो चल जाएगा काम, थोड़ा थोड़ा तो गिला है लेकिन बाकी लकड़ियों साथ में चल जाएगी। तो बाकी जो काम है वो तो बाद में होते रहेंगे, सबसे पहले मैं टेंट लगा लेता हूँ यार, क्योंकि जंगल में जो अंधेरा है वो पूरा हो चुका है। आवाज़ सुन रही होगी आपको टिर 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 टिर, ये मजा आता है जंगल में रहने का। ये वाला जो आवाज़ सुनता है ना तो थोड़ा थोड़ा ऐसे फटती भी, और जो जंगल का प्रति आपका जो प्यार होता है वो भी दिखता है। शांति सुकून ओनली टिर 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 टिर। यार लास्ट टाइम टेंट मैंने वहाँ पे लगाया था तुंचांग में जब अरेस्ट हुआ था उस वजह से थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अरेस्ट होने पे यूट्यूबर्स को तो कंटेंट मिलता है ना लेकिन कभी कभी महंगा भी पड़ सकता है भाई, क्योंकि यहाँ पे पुलिस का डर नहीं है मेरे को। मोस्टली लोगों ने क्या वार्न किया पता है, जंगल के जानवरों के लिए भी कुछ वार्न नहीं किया, वो भी नहीं आएंगे इतने, आप आग जला लेते हो तो पास। वार्न मेरे को इसलिए किया कि आपका जो अंडरग्राउंड है ना और उसका के और डी एम फ्रैक्शन है वो अब भी एक्टिव है यहाँ पे जंगलों में, तो ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आ गए तो कोई बात नहीं, अपना जो वोखा वाला भाई था ना जो मैं अंडरग्राउंड के साथ में रुका था उससे बात करवा देंगे तो सेटलमेंट हो जाएगा। उसने बोला भी था मेरे को, क्या नाम था उसका, अंगुली अंगुली सार्जेंट बोलता था ना मैं उसको। सार्जेंट का कॉल भी आया था परसों, बहुत ज़्यादा क्या हाल है, राजी खुशी है। एक्चुअली उसने गलती क्या किया था कि साला केला, बात ख़त्म करके चेक करूँगा खून आया कि नहीं आया। नागालैंड में ट्रैवल करते हो तो आपका मैट का हालत कुछ ऐसा हो जाएगा यार। सो आवर टेंट इज रेडी एंड अब थोड़ी आग जला लेते हैं। पहले इस लकड़ी को थोड़ा इधर कर लेते हैं यार, बैठने में अच्छा रहेगा ना। भाई 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 आग नहीं जल रही यार, पत्ते गीले हैं, पत्ते गीले पड़े हैं पूरे, ये देखो। ओह पॉलीथीन वगैरह ढूंढना पड़ेगा अगर किसी ने रखा है तो। ओके ये खाया हुआ मिलेगा यहाँ पे शिखर गुट का। ओके ये यार बंदे बड़े समझदार हैं नागालैंड के, इन्हें पता है कि यहाँ पे आग जलाते हैं सर्दी के टाइम में तो कुछ खा के भी ऐसे वैसे नहीं फेंकते, यहाँ पे जैसे दबा के चले गए ना, शिकार करने और आग जलाने के मामले में बहुत साथी रहे हैं भाई। अब भी जला देता हूँ, लाइटर पे गया क्या, हे भगवान कैसे मजाक कर रहा है आधी रात को यार। ये लास्ट इससे नहीं जला तो कुछ नहीं होगा अपना फिर। अब तो नहीं छोड़ने वाला मैं, चलो एक काम तो हो गया। लेकिन तो मैंने अभी भी चेक किया गूगल के ऊपर और इंडिया का है भाई आज मैच, तो मैं वो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता इस बॉनफायर के पास बैठ के। तो जल्दी से उसे पहले पहले खाना बना के सब कुछ फ्री हो जाते हैं और फिर जूते वगैरह निकाल के आराम से टेंट में बैठ के इसका फेस कर लूँगा इस तरफ। विल एंजॉय द मैच। ओके दिस इज, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। भाई मैं आपको एक बात बताना तो नहीं चाहता क्योंकि ये वीडियो आपके साथ मेरे पेरेंट्स भी देखेंगे, लेकिन फिर भी एज ए ट्रू सब्सक्राइबर्स, एज माई लविंग सब्सक्राइबर्स, आई शुड टेल यू द रियलिटी ना। बाकी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी चीज़ का कमी नहीं, लेकिन जिस चीज़ का कमी है वो उसके बिना आदमी रह नहीं सकता भाई मैं पानी का बोतल तो दो लेके चला था लेकिन एक शायद वो भाई लोग के ट्रक में गिर गया कहीं पे। इट इज व्हाट इट इज। इसमें सोच रहा हूँ इतने से ओट्स बना लूंगा, इतने से सुबह कॉफी बना लूंगा और इतने से सुबह कुछ कर लूंगा इससे ज्यादा पानी तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये भाई अपनी पोटली, इसमें देखते हैं क्या क्या है। ओट्स रखा है, दिस इज शुगर, थोड़ा ही बचा है लेकिन आज आज का हो जाएगा। कॉफ़ी ब्लैक पीनी पड़ेगी, दिस इज़ मिल्क पाउडर। भाई 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 यार अपना वो लाइटर भी था ना वो ख़राब हो चुका है, ख़राब नहीं ख़त्म हो गया यार, इसका भी कोई लिमिट होता है ना। ये वाला तरीका काम करना चाहिए यार, आई होप इसके अंदर ही पत्ता डालो इसके अंदर एंड देन ट्राई।
ओए लौंडे दिमाग को थोड़ा शांत रखना चाहिए तो सारे काम हो जाएगा, तो दिमाग शांत नहीं रखा तो लाइटर होगा तो भी नहीं चलेगा। ओके इट्स टाइम टू कुक आवर ओट्स। ओके पास तुम मेरे अच्छा लगता है भाई मेरे को गाने गाने नहीं आते, एक एक लाइन याद है सबका। इतना ओट्स में होगा क्या, थोड़ा सा और कर ले। ओए भाई 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 ये ज़्यादा हो गया यार। सो अपना खाना जो है वो रेडी हो चुका है एंड दिस इज आवर बेडरूम। भाई बेडरूम इतना अच्छा तो नहीं, देख रहे हैं आपको स्लोप्स दिख रहे हैं कैसे, लेकिन कोई बात नहीं, ये अपना घर का बेड नहीं है भाई। वी आर ट्रैवलिंग, वी आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट पीपल एंड सेम फूड यार। लेकिन क्या करेगा, मेरे को चीरी मारनी नहीं आती ना, मारनी तो आती भाई, अभी हथियार नहीं है मेरे पास, क्योंकि दिस थिंग ना, और ये वाला चीज़ ये मैंने मोकोकचुंग में मारा था उस टाइम, मैट के ऊपर डाल के मैंने उसको रखा था, और जब मैट समेटा तो ये मैट के अंदर रह गया, और मोकोकचुंग के बाद में अभी मैट लगा रहा हूँ मैं अपना। भाई अब इसको भी गलत वे में मत लेना, आई लव एनिमल्स बट वो भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, उसके लिए किया बस, इतना तो चलता है यार। मैं नहीं मारता तो उस चिड़ी को कोई और मारता, क्योंकि नागालैंड में सभी चिड़ी मारी हैं तो भाई ये अपना आज के दिन का कुछ रिपोर्ट। आई स्टार्टेड फ्रॉम मॉन यस्टरडे एंड आई रीच्ड अबोई लास्ट नाइट, देन आई स्टेड देयर, देन यहाँ से पैदल चल के मैं पहुँचा अराउंड मोहंग के थोड़ा सा पीछे तक, अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स पैदल चलाऊँगा। उसके बाद मेरे को लिफ्ट मिला एंड दैट लिफ्ट ड्रॉप मी चांगलांग आई थिंक, एंड फ्रॉम चांगलांग आई एम वॉकिंग आई एम हेयर। जो आपका मोका ब्रिज है ना, मोका ब्रिज इस कॉर्नर के ऊपर है एंड करंट लोकेशन इज हेयर, आई एम हेयर। सो यहाँ से अपना जो तोबू है वो बचा है अराउंड 40 to 45 किलोमीटर्स, एंड आई एम श्योर कल शाम तक अगर कोई लिफ्ट भी नहीं मिला तो बाई वॉक हम पहुँच जाएंगे। बाकी अपनी आग मैं अभी चेक करके आया, जल रही अभी भी, और थोड़ा सा और डाल दूंगा उसमें जाके मोटी मोटी लकड़ियाँ, तो पूरा रात चलता रहेगा। एंड इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। All you guys watching this game, 30 overs of spin.